हिंदुओं के लिए मही रावण है, इस्लाम इसे इब्लीस कहता है, ईसाइयों में इसका सिर्फ एक ही नाम है, लूसिफर। अभी के लिए दोस्तों, अगर हम इंडिया की बेस्ट मूवी इंडस्ट्री की बात करें तो नो डाउट वो मलयालम इंडस्ट्री है। जिस तरह से उन्होंने अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया है और बैक टू बैक कई सारे सटायर और थ्रिलर मूवी हमें उन्होंने दिए हैं, वो दोस्तों इस इंडस्ट्री को बेस्ट बनाती है। आज जहां पे बॉलीवुड में रीमेक का ट्रेंड चल रहा है और थोड़ी बहुत हमें तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी रीमेक मूवी देखने को मिल रही है, वही दोस्तों मलयालम सिनेमा बिल्कुल फ्रेश और नई कंटेंट हम पब्लिक को दे रही है और वो दोस्तों अच्छी भी होती है, चाहे आप किसी भी मूवी को उठाकर देख लिए। तो आज दोस्तों हम इस बेस्ट सिनेमा इंडस्ट्री से पांच ग्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको असली सिनेमा से परिचय कराती हैं। और सयाहउद्दीन के साथ में उन सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट किया। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं टॉप 5 ग्रेट मलयालम मूवी के बारे में। और ये दोस्तों सिर्फ शुरुआत नहीं है, आगे और भी आपको ग्रेट मलयालम मूवी की लिस्ट मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, टेक ऑफ। टेक ऑफ दोस्तों एक थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पे 8.2 स्टार्स की रेटिंग मिली है और मूवी के लीड रोल में है कुंजको बोबन, पार्वती और फहाद फासिल। कुंजको बोबन दोस्तों वही एक्टर है जिन्हें आप अंजाम पथेरा मूवी में देख सकते हैं। वैसे तो यह मूवी कहानी है इराक में फंसे हुए होस्टेजेस की, जिसे फहाद फासिल अपने टीम के हेल्प से वहां से उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों मूवी की स्टोरी से ज्यादा आपको इस फिल्म के कैरेक्टर्स को देखने में मजा आता है। हां दोस्तों, स्क्रिप्ट इस मूवी की एक काफी बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स काफी जबरदस्त है। खासकर दोस्तों समीरा का कैरेक्टर जिसे पार्वती ने पीए किया है और जितनी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है ना, तारीफ करनी तो बनती है। फिल्म में दोस्तों वो एक नर्स बनी है जो कि उन्हीं होस्टेजेस में से एक होती हैं और उनकी एक्टिंग, चेहरे के एक्सप्रेशंस, मैच्योरिटी मूवी को काफी मजबूत बनाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पूरी मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हो सकता है कि शुरुआत के 20 मिनट आपको ज्यादा पसंद ना आए और हो सकता है कि क्लाइमेक्स भी आपको हल्की सी फीकी लगे, लेकिन ओवरऑल दोस्तों मूवी का जो एक्सपीरियंस है वो काफी कमाल का है। तो हो सके तो एक बार इस मूवी को जरूर देखना, ये मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 4, वायरस। वायरस एक मेडिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें आपको टोविनो थॉमस, कुंचको बोबन, पार्वती और मैडोना सेबेस्टियन लीड रोल में देखने को मिलती हैं। IMDb ने इस मूवी को 8 स्टार्स की रेटिंग दी है और वायरस आउटब्रेक के ऊपर बनी यह इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे देखने पे आपको कमाई का थ्रिल मिलता है। तो इस मूवी में दोस्तों निपाह नाम का एक रेडियो वायरस पूरे केरला सिटी में फैल जाता है, जिसके कारण वहां की सारी पब्लिक खतरे में आ जाती है। तो वायरस के थोड़े से फैलने के बाद वहां के कुछ लोग, जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं, वो इसे और भी फैलने से रोकने की कोशिश करते हैं और इसे पूरी तरह से खत्म करने की भी कोशिश करते हैं। तो क्या वो सभी इसमें सफल हो पाते हैं या खुद ही इसका शिकार हो जाते हैं, ये सब कुछ आपको इस मूवी के देखने पे मालूम होगा। ये मूवी दोस्तों इतनी पावरफुल है और इसकी स्क्रीन प्ले इतनी बेहतर है कि फिल्म देखते वक्त आपकी सांसें थम जाती है। इस मूवी को दोस्तों बेस्ट बनाने का पूरा क्रेडिट इसके डायरेक्टर आशिक अब्बू को जाता है, जिन्होंने परफेक्ट ये मूवी को डायरेक्ट किया है, इसके स्क्रीन प्ले को पूरी तरह से टाइट रखा है और सभी थ्रिल सीन्स को अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, और यही सभी चीजें आपको कमाल का एक्सपीरियंस देती है। बाकी दोस्तों मूवी में सभी एक्टर्स की एक्टिंग काफी ऑसम है जो खुद ही आप इस मूवी में देख पाएंगे। तो प्लीज हो सके तो इस मूवी को एक बार जरूर देखना। कभी शैतान को बाइबल सुनाते देखा है? जंग अच्छाई और बुराई के बीच नहीं है, बुराई और बुराई के बीच है। नंबर 3, लूसिफर। लूसिफर दोस्तों एक ऐसी मूवी है जो कि सभी जोनरा के फैंस को पसंद आएगी। अगर आपको पावरफुल एक्शन देखना है तो मूवी में एक्शन भी है, सस्पेंस वाली मूवी आपको पसंद है तो पूरी फिल्म सस्पेंस से भरी हुई है, पॉलिटिक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाती है और साथ ही दोस्तों पूरी मूवी दमदार डायलॉग से भरी हुई है। तो यह मूवी दोस्तों एक कम्प्लीट मास एंटरटेनर मूवी है जो आपको निराश नहीं करेगी। IMDb ने इस मूवी को 7.5 स्टार्स की रेटिंग दी है और यह मूवी दोस्तों मलयालम इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म में मोहनलाल के साथ थॉमस, मंजू वॉरियर, विवेक ओबराय और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में देखने को मिलते हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है और वो और मुरली गोपी जो कि इस मूवी के राइटर हैं, इन दोनों की मेहनत से ही दोस्तों ये मूवी इतनी अच्छी और सुपर ब्लॉकबस्टर बन पाई है। जितनी गहराई से मुरली गोपी ने मूवी की स्क्रिप्ट और सभी कैरेक्टर्स को लिखा है, उतनी ही बारीकी के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन ने सभी को पर्दे पे उतारा है। इस मूवी में दोस्तों आपको मोहनलाल के सुपर पावरफुल कैरेक्टर स्टीफन के साथ बॉबी और प्रिया जैसे काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनकी अपनी एक ही डार्क स्टोरी होती है। तो मूवी की शुरुआत में दोस्तों वहां के लेजेंडरी पॉलिटिशियन पीके रामदास की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके पद को हासिल करने के लिए मूवी में पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। यह मूवी दोस्तों आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को मिस मत करना, ये काफी अच्छी मूवी है। नंबर 2, ट्रांस।
फहाद फासिल वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है जो कि आपको साउथ की ज्यादातर बेस्ट थ्रिलर मूवी में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो ऑस्कर डिजर्विंग सुपर डिजक्स हो या फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी ट्रांस हो। तो ट्रांस उनकी रिसेंटली रिलीज एक साइको थ्रिलर मूवी है जिसमें उन्होंने बीजू नाम के एक मोटिवेशनल ट्रेनर का रोल प्ले किया है। इस मूवी को IMDb ने 7.3 स्टार्स की रेटिंग दी है और यह दोस्तों काफी यूनिक मूवी है जिस टॉपिक पे आपको बहुत ही कम मूवी देखने को मिलती है। फिल्म में दोस्तों रिलीजन्स के नाम पर हो रहे बिजनेस को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग धर्म के नाम पर पैसा बना रहे हैं और स्कैम कर रहे हैं, और इसकी एग्जीक्यूशन भी दोस्तों इतनी परफेक्ट तरीके से की गई है कि कोई भी व्यूअर अगर किसी पार्टिकुलर धर्म का है तो वो दोस्तों इस मूवी को देखने पे ऑफेंड नहीं होता है। इस मूवी में दोस्तों फहाद फासिल की ऑसम एक्टिंग देखी जा सकती है, उनके चेहरे की एक्सप्रेशन उनकी बिहेवियर आपको सरप्राइज कर देगी। इस मूवी पे दोस्तों हमने इस वाले वीडियो में भी बात किया था, तो फिलहाल दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर हो सके तो इस मूवी को आप एक बार जरूर देखें, वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। और अब बात करते हैं दोस्तों उस मलयालम मूवी के बारे में जो कि एक मास्टरपीस है, और दरअसल दोस्तों जिस डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है उनकी सभी मूवी मास्टरपीस ही होती है। तो नंबर वन पे है दोस्तों ई मयाऊ, जिसका मतलब है जेजस मैरी जोसेफ। ये दोस्तों एक ब्लैक कॉमेडी सटायर मूवी है जिसे समझने के लिए पूरी मूवी को आपको काफी ध्यान से देखना होगा। इस मूवी को रिजो जोस पेरिसर ने डायरेक्ट किया है और मूवी को IMDb ने 8.3 स्टार्स की रेटिंग दी है। इस मूवी में दोस्तों वावचंद मिस्त्री नाम की एक आदमी की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके फ्यूनरल को करने के लिए उसके बेटे पे क्या क्या बीतती है वही मूवी में आपको दिखाया गया है। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि बेस्ट तरीके से दिखाया गया है। मूवी की हर एक डिटेल काफी इंपोर्टेंट है और पूरे फिल्म को इतनी रियलिस्टिक रखी गई है कि आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी। इनफैक्ट दोस्तों मूवी के सभी एक्टर्स की एक्टिंग इतनी नेचुरल और अच्छी है कि आप अच्छे अच्छे एक्टर्स को भूल जाओगे। और इस मूवी को देखने के बाद दोस्तों अगर आपकी साउथ सिनेमा से लेकर थिंकिंग चेंज नहीं हुई तो फिर मुझे कहना, मूवी की स्क्रिप्ट से लेकर इसकी BGM, एडिटिंग, कैमरा एंगल्स, डायरेक्शन सभी कुछ इतनी परफेक्ट है कि ये मूवी दोस्तों वाकई में एक मास्टरपीस बन ही जाती है। एक सेंटेंस में दोस्तों मैं कहूं तो ये इंडिया वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे आपको मिस नहीं करनी चाहिए। यह मूवी दोस्तों अभी हिंदी में डब तो नहीं हुई है, पर आप इस मूवी को YouTube पे फ्री में सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज आप इस मूवी को जरूर देखना, और मैं दोबारा से कह रहा हूँ इस मूवी को काफी बारीकी से देखिएगा आप। तो ये थी दोस्तों टॉप 5 ग्रेट मलयालम मूवी जो कि इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। तो हो सके दोस्तों तो इस लिस्ट की सभी मूवी को आप एक बार जरूर देखना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।